मोहिना विचारों मैं जन तेरा राग सैया जी के जीवना मोहिना विचारों जी के जीवना मेरी संगत सोच सोच दिन राती मेरा धर्म कपिलता जन्म पहुँच सोच दिन राती मेरा कर्म कठिनता जन्म दुपाती मोहिना विसार जी के जीवना मोहिना विचारों मैं जन तेरा राग सैया जी के शरीर कल जाई मेरी हरो विपत जान करो सुवाई चरण न छाड़ियो शरीर कल जाई मोहिना विचारों मैं जन तेरा नाम सैया जी के जीवना मोहिना विचारों जी के जीवना कौरविदास परो तेरी सामा बेग मिलो जान करना बिला करना बिलावा
मुहे ना बिकारूं, मैं जन तेरा राम दुसिया, जी के साहिबे कमाल जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, जिन्हां दा की जन्म 1377 ईस्वी माघ दी पूर्णमाशी वाले दिन एतवार नूं माता कलसा जी पिता संतोख दास जी दे पावन ग्रह विखे होया। आप जी की उस्तत विच कवि लिखते हैं, 1433 ईस्वी माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। भाई करमदास जी कवि जो कि उस समय दे उच्च कोटि दे कवि सन, आप जी ने सतगुर जी की पावन उस्तत विच ए पंक्ति उच्चारण कीती। जगतगुरु सतगुर रविदास महाराज जी ने अपनी 151 साल की उम्र दे विच लखां ही लोकां नूं जिन्हां दे विच वड्डे वड्डे रियासतां दे राजे महाराणियां, गरीब लोग जिन्हां दी कोई मां नहीं पड़दा सी, जिन्हां नूं लताड़िया जांदा सी अते जिन्हां नूं कोई भी हक नहीं सी, ना कोई लिखण दा हक सी, ना नाम जपण दा हक सी, ना रोटी खाण दा हक सी। सो आप जी ने महाराज जी ने जदों इत्थे प्रगट दुनिया ते होए, आप जी ने लखां ही लोकां नूं हक लैके दिते, उन्हां नूं पढ़न दा अधिकार लैके दिता, सतगुर दा नाम जपण दा अधिकार लैके दिता। आप जी दे चरणां दे विच चार जुगां दे लोक महाराज जी दे चरणी डिगे, इसे करके ही अज आप जी दी महान महान उस्तत हो रही है, जो कि रहिंदी दुनिया तक सतगुरु जी दी बाणी पढ़ी जावेगी। आप जी दे जन्म स्थान दी खोज डेरा सचखंड बल्लां विखे गद्दी नशीन होए हजूर महाराज सतगुरु सरवण दास महाराज ने 600 साल बाद कीती अते सानू कांची बनारस दी धरती विखे मक्का बना के दिता, जिथे कि अज लखां करोड़ां दी तादाद विच संगतां सतगुरु जी दे सन्मुख हुंदियां हन, उन्हां नूं अपना शीश झुकांदियां अते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करदियां। सतगुरु रविदास जी महाराज आप इस पावन शब्द दे विच समुची मानवता नूं पावन उपदेश दिंदे हन कि परमात्मा नूं भुले हुए जीव दी संगत नीच है, विकारां दे बंधनां तों मुक्त हो जाणा, परमात्मा दे नाम दी शरण लै के लोक परसुख दा सहेला हो जाणा, इही जीव दी उत्तम है, इसे नाल ही जीव दा भला है। सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी पंक्ति च उच्चारण करदे हन, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कटिलता जन्म गुपाती, हे परमात्मा जी मेरी पाप संसार इस जीव दी संगत विषय विकारा करके नीच है, ए सोच मैनूं दिन रात लगी रहिंदी है, परमात्मा नूं भुले हुए जीव दा कर्म भी नीमा है, जन्म भी नीमा है। जदों तक ए जीव परमात्मा दा स्मरण नहीं करदा, परमात्मा दी भगति नहीं करदा, इस जीव दा दुर्लभ मनुखा जन्म निसफल है, भाव की व्यर्थ है।
अगे आप जी पंक्ति च उच्चारण करते हैं, राम बसिया जी के जीवना मोहे ना विसारो, मैं जन तेरा रहा। जीवन जीवन देने वाले परमात्मा जी, तुसी मैनु भुलायो ना, मैं आप जी दा ही दास हां। मेरी हरो विपत जन करो, सुभाई चरना छाड्यो सिर कल जाए। परमात्मा जी मेरी जन्म मरण रूपी विपता दूर कर दियो, मैनू दास नूं इही सुभाव बख्शो कि भावे मेरा शरीर चला जावे, मैं आप जी दे चरणा नूं नहीं छड्डांगा। कहो रविदास करो तेरी सांबा, बेक मिलो जन करन मिलांबा। सतगुरु रविदास महाराज जी परमात्मा अगे बेनती करदे हन कि हे परमात्मा जी, मैं आप जी दी शरणी पिया हां, आप जी मैनू छेती आके दर्शन दियो जी, देरी ना करो जी। सो सब संगतां नूं सतगुरु रविदास महाराज जी यही समझाना करते हैं कि परमात्मा का नाम सच्चा है, बाकी इस दुनिया ते सब व्यर्थ है। इस करके जीव नूं परमात्मा का नाम जपना चाहिदा है, भुले भटके हुए जीव नूं परमात्मा की भक्ति करनी चाहिदी है। जय गुरुदेव, धन्न गुरुदेव।